जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे, फुल बॉडी हार्नेस का सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में आज का ये वीडियो है। फुल बॉडी हार्नेस ऊंचाई पर काम करने के दौरान पहना जाता है। इसके शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड को किसी स्ट्रॉन्ग एंकरेज पॉइंट पर हुक किया जाता है ताकि किसी एक्सीडेंट के कारण फॉल होने पर यह यूजर को ज़मीन पर टकराने से रोक सके। ये एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, इसलिए इसका सही से इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जो इंस्पेक्शन आपको बताता हूँ वो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल के द्वारा किया जाने वाला इंस्पेक्शन होता है, लेकिन मेरे बताए हुए चेक्स को आप प्री यूज इंस्पेक्शन या पेरियोडिक इंस्पेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फुल बॉडी हार्नेस और शॉक एब्जॉर्बिंग जो लैनियार्ड है उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो लोग नए हैं वो देख सकें। ये देखिए, इसे फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं और ये शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड है। इसे शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस पर एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। देखिए यहाँ पर इसका काम यह है कि ये फॉल अरेस्ट होने पर ये ओपन हो जाता है और यूज़र को एकदम झटके लगने से बचाता है, यानी कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। हार्नेस और लैनियार्ड अलग अलग होते हैं। जब हार्नेस को पहना जाता है तो उसके बाद लैनियार्ड के में जो कैराबाइनर होता है उसको हार्नेस के डीरिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है और ऊंचाई पर काम करने के दौरान लैनियार्ड के इस हुक को किसी मजबूत एंकरेज पॉइंट में फंसा दिया जाता है। इसके बाद फुल बॉडी हार्नेस 100% टाई ऑफ हो जाता है, जो किसी एक्सीडेंट में फॉल होने पर यूज़र को ज़मीन पर टकराने से बचाता है। अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि इसका सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, इसमें क्या क्या पॉइंट को चेक किया जाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी इंस्पेक्शन में चेकलिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये चेकलिस्ट है, इसके द्वारा हम फुल बॉडी हार्नेस और लैनियार्ड का इंस्पेक्शन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको हार्नेस के मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर और सीरियल नंबर को नोट करना है, जैसे कि यहाँ फॉर्मेट में दिया गया है जिसे मैं आपको बताने के लिए फिल कर रहा हूँ। जिस सेफ्टी हार्नेस का इंस्पेक्शन आप करने जा रहे हो उसकी सारी डिटेल आपको उसमें दिए गए टैग में लिखी हुई मिल जाएगी। आपको बता दूं कि हार्नेस का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हर साल किया जाता है और इसके सर्टिफिकेट में वैलिडिटी लिखी होती है। आपको इसके डेट को चेक करना है, इसे एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट चेक करने के बाद आपको हार्नेस में लगे हुए डी रिंग को चेक करना है। ये देखें, इसे डी रिंग कहते हैं। इसमें ही लैनियार्ड के कैराबाइनर को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे आपको डी रिंग को चेक करना है कि ये क्रैक, बैंड या कॉरोडेड तो नहीं है और इसमें कोई शार्प एज तो नहीं निकला हुआ है। इसे चेक करने के बाद रिजल्ट के हिसाब से आप यस या नो को टिक करें। इसी तरह डी रिंग के पैड को भी चेक करें, ये डैमेज या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें लगे बकल को चेक करें। बकल का काम यूज़र शोल्डर और थाई के हिसाब से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको देखना है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं है, कोई पार्ट्स मिसिंग तो नहीं है, कॉरोडेड तो नहीं है या इस पर कोई शार्प एज तो नहीं निकला हुआ है, इसे चेक करना है। इसके बाद हार्नेस के वेबिंग को चेक करें। ये जो सारा मटेरियल दिख रहा है जिससे ये हार्नेस बना हुआ है इसे वेबिंग कहते हैं। जैसे वेब सेलिंग होता है ना, वेब सेलिंग की जिस मटेरियल को बनता है उसी मटेरियल्स का जो है हार्नेस को ही बनाया जाता है। इसके चेक में देखें कि कोई कट, टीयर, होल या जला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई नॉट, विजिबल डैमेज और घिसाव का निशान नहीं होना चाहिए और पेंट, ग्रीस या ऑयल लगा हुआ नहीं होना चाहिए या उस पर कोई कीचड़ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको हार्नेस की सिलाई यानी स्टिचिंग को चेक करना है। इसमें कोई कट या ब्रोकन तो नहीं है, कोई स्टिच का पैटर्न मिस तो नहीं है और इस पर कोई जलने का निशान तो नहीं है। आप अपने चेक के हिसाब से यस या नो को टिक करें। हार्नेस के इंस्पेक्शन के बाद इसके लैनियार्ड के इंस्पेक्शन की बारी आती है। सबसे पहले इसके वेबिंग की कंडीशन को चेक करें, सेम क्राइटेरिया जो ऊपर आपने चेक किया था। इसके बाद इसके दोनों हुक को चेक करें, इसका ऑटो क्लोजिंग सही से फंक्शन होना चाहिए। इसी तरह इसके कैराबाइनर को भी चेक करें, कैराबाइनर को ही डी रिंग से कनेक्ट किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर।
इसके बाद लैनियार्ड में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है इसे भी चेक करें, इसकी कंडीशन सही हो और इसमें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट का निशान ना हो। इंस्पेक्शन के पॉइंट को पूरा करने के बाद फाइनल अप्रेजल में आपको अपने इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स के हिसाब से रिकमेंडेशन देना है, या जैसे कि हार्नेस को क्लीन करके दोबारा रिइंस्पेक्ट करना है, या अगर ऊपर चेक में सब सही है तो इसे पास करके यूज़ करना अलाउ कर देना चाहिए। अगर हार्नेस में ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये इंस्पेक्शन में पास नहीं हो पाया है तो इसे डिसअलाउ कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर फुल बॉडी हार्नेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, मतलब कि इसे किसी एक्सीडेंट में फॉल के दौरान इम्पैक्ट हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में हार्नेस को तुरंत सर्विस से हटाकर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक करते ही आप एक पेज पर पहुँचेंगे, उसको वहाँ पर 15 सेकंड का वेट करना है। 15 सेकंड के वेट के बाद आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते ही आपके लैपटॉप या मोबाइल में इसका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा।